देखिए छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर अब कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि राज्य की कई शराब दुकानों में बिक्री सरकार की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा पर की जा रही है, जिसकी वजह से शराब के खरीदारों में काफी नाराजगी थी। मौजूदा वक्त में शराब की बिक्री हर बोतल पर दर्ज QR कोड को स्कैन करके और नगद भुगतान करके की जाती है, लेकिन पिछले सालों में इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। अब लेकिन ऑनलाइन भुगतान और UPI के जरिए से कैशलेस भुगतान की सुविधा अब शुरू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं शराब खरीदारों के लिए बड़ी सुविधा की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों पर अब कैशलेस पेमेंट की सुविधा शुरू होने जा रही है। लंबे समय से ये शिकायत मिल रही थी कि राज्य की कई शराब दुकानों में बिक्री सरकार की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा पर की जा रही है, जिसकी वजह से शराब के खरीदारों में काफी नाराजगी थी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में मौजूदा वक्त में शराब की बिक्री हर बोतल पर दर्ज QR कोड को स्कैन करने के बाद नगद भुगतान से की जाती थी, लेकिन अब कैशलेस पेमेंट की ये सुविधा शुरू करने जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। लंबे समय से ये शिकायत देखी जा रही थी कि राज्य की कई शराब दुकानों में बिक्री सरकार की तरफ से निर्धारित कीमतों से ज्यादा स्तर पर की जा रही है, लेकिन अब जो है इस पर रोक लग जाएगी इस सुविधा के चलते। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, ये लगातार ये जो शिकायत निकल कर सामने आ रही थी कि मुंह मांगी कीमत मांगी जाती है दुकानदारों द्वारा, अब ये सुविधा कितनी कारगर साबित होगी? देखिए निश्चित तौर पर अंजलि, जिस तरीके से लगातार सरकार अब ये चाह रही है कि हर एक विभाग में पारदर्शी तरीके से जो है सरकार चले, विभाग चले, और यही कारण है कि इस ओवर रेट को कम करने के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए इस तरीके का निर्णय लिया गया है। अब आने वाले दिनों में चूंकि एक बड़ा वर्ग कैशलेस से जुड़ा हुआ है, हर एक दूसरा आदमी फोन पे यूज़ करता है, तो यही कारण है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो देसी शराब भट्टी है उन पर भी कैशलेस किया जाएगा, क्योंकि जो प्रीमियम शॉप है वहाँ पर तो कैशलेस की सुविधा दी गई है, लेकिन जो देसी शराब भट्टी है वहाँ कैशलेस की सुविधा नहीं होती है। इसके इतर अगर बात करूँ अंजलि, तो आपने देखा था कि कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाला सामने आया था, और यही कारण है कि सरकार इस तरीके के घोटाले से बचने के लिए, पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने के लिए इस तरीके से निर्णय लिया है। जी खोमन, तो आप देख सकते हैं कि अधिक व्यवस्थित तरीके से नजर आएगी अब ये जो शराब खरीददारी की जो प्रक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।